द रोक को इंस्टाग्राम पर कौन फॉलो करता है भाई मुझे लगता है उनके सब ज़्यादा फॉलोअर्स है ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है उनके तो फिर ना मैंने उनके ना ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी और आपको पता है मैं स्लेब्स क्या क्या खाते हैं उसकी रेसिपीज़ आजकल शेयर कर रही हूँ इसके अंदर मैंने डाला है कोकोनट शेड करा हुआ थोड़ा सा जो सूखा कोकोनट होता है ना फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हो इसके अंदर बेकिंग पाउडर हल्का सा नमक थोड़ी सी चीनी एक चम्मच एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैं एक काम करती हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ याद ना रहे तो प्लीज़ मुझे याद दिला देना फिर उसके बाद ये चार पाँच चीज़ें डालनी है और उसके बाद ये जो सूखी चीज़ें हैं इसको हटा दो मैदा या फिर ओट फ्लोर कुछ भी यूज़ कर सकते हो एक लो अंडा अंडा अगर जिसको नहीं डालना वो स्किप कर दो इसके अंदर फिर भी अच्छी अच्छा बनेगा ये आप लोग क्या करना है कोकोनट वाटर लेना है कोकोनट मिल्क लेना है और इस रेसिपी में और कोकोनट ऑयल सब कुछ कोकोनट का लेना है श्रेडिड कोकोनट सब सूखा कोकोनट सारे डालने हैं हाफ मैंने यहाँ पर डाला आ, नायल पानी अगर आपके पास बाई चांस मिल्क विल्क नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो किसी दूसरे चीज़ की क्वांटिटी कोकोनट की बढ़ा देना ना ताकि टेस्ट वही आता रहे हल्का सा हम डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा बटर बटर मेल्ट करके डालना था मेरी गलती रिपीट नहीं करनी एक बनाना लेना है अब ये क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो आपको वैसे स्मॉल बनाना यूज़ करना है अब इसका ऐसा है तो मैं इसका वन थर्ड पार्ट हटा दूंगी वो ऊपर से मैं टॉपिंग में यूज़ कर लूँगी और अभी इसको इसके अंदर हम मैश करके डाल देंगे फिर उसके बाद इसको मिक्स कर लो अच्छे से और आपका बैटर जो जगह रेडी ये हल्का सा वॉटरी है ना आई नो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ओट्स फ्लोर डाला था फिर बाद में मैदा वैदा डालो आपकी मर्ज़ी है फिर उसके बाद पैनकेक्स बना लो पांच छह पैनकेक्स बन जाएंगे अब हम उनकी रेसिपी यूज़ करें अब इसके अंदर इतना सारा बटर है ना बटर बोल रहे हो इतना सारा इसके अंदर फ़ैट है ना कोई हद नहीं पर चलो अब उनकी चीट मिल है तो वो तो अपना फ़ैट वैट बढ़िया से यूज़ करेंगे हमारी तो नॉर्मल मील ही इतनी ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल मील में जितना अनहेल्दी होता है उनकी वो चीट मील में भी इतना हेल्दी है हेल्दी फैट्स और वो सब यूज़ करे हुए, बताओ तो मैंने ऐसे पाँचे क्या पैनकेक्स बनाए और क्यों कि मेरे घर पर मम्मी मम्मी नहीं मुझे और पापा को मीठा पसंद है तो हमने मिल के ट्राई करा ऊपर से हमने खूब सारा इसके अंदर टॉपिंग वोपिंग में क्या क्या डाला बताती हूँ आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हो उसके अंदर मैंने हल्का सा क्योंकि कोकोनट बनाना है तो आप वो डाल सकते हो इस रेसिपी में ना पाइन और हल्का हल्का लेमन ऐसे ऐसे करके भी दो तीन फ्लेवर्स में उन्होंने बनाया रखा पर मेनली यही था बनाना कोकोनट पैनकेक्स हर रील मुझे जाकर चेक करना चाहिए भाई साहब इतनी ज़्यादा सारे खाने की रील्स में नाइन्टी परसेंट कोकोनट पैनकेक्स थे तो मैंने बोला ट्राई करके देखते यार पहली बार सुना उसके बाद मैंने डाला ऊपर से पीना बटर और मेपल सिरप तो देखो घर पर होता नहीं है तो मैंने डाला हनी और बस ट्राई करो बढ़िया से होंगे ऊपर से थोड़ा सा और सूखा कोकोनट डाल दिया शेयर जिनको तो करो, करो, कर जिनको ट्राई करना चाहिए नया तो फॉलो करो सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया है तो ओके दैट्स इट बाय और पैनकेक्स किस किस को पसंद है वो बताओ नेक्स्ट क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना खाने में बड़े टेस्टी थे आ रही है जो मर्जी बोलो बहुत टेस्टी थे नए तरीके से पैनके बनाने तो इस तरीके से बनाना ठीक है